नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में कोई एक बात बताएंगे ना कि कोसी सीमांचल को क्या दिए, कौन सा ट्रेन दिए? मैं इसमें शक्ति प्रदर्शन का क्या सवाल है, जब कोसी के विकास पर बात है, जो ट्रेन आई थी वो ट्रेन कहाँ चली थी? एम्स का क्या हुआ? बाढ़ का क्या हुआ? पेपर मूल पेपर फैक्ट्री का आपने सब कुछ निकाल के लेके बैजनाथपुर से चले गए, आप बोलेंगे नहीं? नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में कोई एक बात बताएंगे ना कि कोसी सीमांचल को क्या दिए, कौन सा ट्रेन दे दिए, क्या दे दिए, रोजगार का क्या हुआ? हमारा सवाल तो यहाँ है ना भाई, मेरा सवाल है किसानों के साथ क्या हुआ? 900 किसान मरने के बाद आपने क्या किया? क्या मंडी सिस्टम लागू हुई? क्या बाजार समिति फिर से लागू होगा? मेरा सवाल तो यहाँ है ना कि आप सरपंच को न्याय नहीं दे रहे हैं, आप ग्राम सभा को खत्म कर दिए मुखिया जी का, आप ममता आशा आंगनबाड़ी के सवाल पर आपकी मौन है, चुप्पी है, जो चीज केंद्र को हिस्सेदारी करनी चाहिए नहीं करता है, सारा पैसा केंद्र रोक लिया है। मेरा सवाल जो जिसकी नौकरी जा रही है टोला सचिव की, या जो टीकाकरण है पशुओं का, या अन्य जो आप हमारे सब ग्रामीण चिकित्सक है उसका आप अभी तक क्या सोचे? मेरा सवाल यहाँ है, मेरा मुद्दा जो है मैं उस पर लड़ कायम हूँ कि कोसी सीमांचल कब तक दूसरों के आश्रितों पर दूसरों पर जिएगा, कब तक जाति का आप हमको जाल में भमर जाल में फंसा के गाली गलौज में आप हमारे विकास को अवरुद्ध कीजिएगा, कब तक इंस्पेक्टर राज चलता रहेगा, कब तक भ्रष्टाचार का शिकार हमारे कोसी और सीमांचल के लोगों? मेरा मुद्दा यहाँ था, और ये वर्कर का सैलाब था भाई, ये नेताओं का सैलाब था, ये लड़ाई आर पार की है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। कोसी आज़ादी चाहती है, कोसी तय करेगा पटना और दिल्ली, दिल्ली और पटना कोसी को तय नहीं करेगा। यह आवाज़ थी या किसी जाति धर्म के विचारों के सम्मान के लिए आवाज़ थी? हम नफरत के खिलाफ यहाँ जुटे थे, हम विकास के लिए यहाँ जुटे थे, हम किसी जाति को अपमानित करने वालों के खिलाफ यहाँ जुटे थे, इसलिए लड़ाई हम लोग की आर पार की, और ये लड़ाई विकास को लेकर के है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार ना किया जाए, इकोनॉमिकल स्टेटस जो कोसी का है सीमांचल का है उसको आप घोषित करिए, यदि विशेष राज विशेष पैकेज चाहिए तो हम लोगों को भी इकोनॉमिकल स्टेटस चाहिए।